हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ। और आज हम देखेंगे क्लास 8 इंग्लिश 1 का चैप्टर 10th, द ग्रेट स्टोन फेस 2। तो पार्ट 2 में हमें क्या दिया है वो हमें पढ़ना है। सबसे फर्स्ट हमें फर्स्ट पार्ट में जो दिया था वो हमें अर्नेस्ट के बारे में दिया था। सबसे पहले यहाँ दिया है कि बहुत सारे जो साल है वो बीत गए थे। अर्नेस्ट जो है अब वो एक मिडिल एज का मैन बन चुका था। उनके नेबर्स जो थे उन्हें कोई भी सस्पेक्शन नहीं था या कोई भी ऐसा शक नहीं था कि अर्नेस्ट जो है उसके अंदर कोई अलग चीज है। एक ऑर्डिनरी मैन की तरह, एक फैमिलियर फेस की तरह लोग उसे देखा करते थे। और वो बहुत ही हम्बल और हार्ड वर्किंग है ऐसा लोगों को लगता था उसके। और वो बहुत ही थाउटफुल पर्सन था ऐसा भी लोगों को लगता था। बट वो ओल्ड प्रोफेंसी जो थी कि वो ग्रेट स्टोन फेस की तरह किसी का फेस है और वो जरूर आएगा एक दिन, वो क्या कभी सच हुई है, क्या हुआ उसके बारे में वो हमें पढ़ना है। जो साल थे वो बहुत जल्दी जल्दी बीतने लगे और व्हाइट हेयर्स जो है अर्नेस्ट के सिर पर, बाल जो है वो सफेद होने लगे ऐसा कह सकते हैं। और उसके जो गाल थे या उसके चेहरे पर झुर्रियां जो है वो अब दिखने लगी थी, उसके चिक्स पर झुर्रियां दिखने लगी थी। वो एक ओल्ड मैन बन चुका था। बट नॉट इन वेन हैड ही ग्रोन ओल्ड, मतलब ये कोई शक की बात नहीं है, या इन वेन अगर हम देखें तो ये है कि वो भले ओल्ड हो चुके थे लेकिन जितने ज्यादा व्हाइट हेयर्स उनके सिर पे थे उतने ही ज्यादा व्हाइट थॉट्स उनके माइंड में भी थे। जैसे लोग कहते हैं कि बाल यूं ही सफेद नहीं किए हैं, मतलब जितने ज्यादा सफेद बाल हैं उतने ज्यादा एक्सपीरियंस वो थे ऐसा मानते थे। एंड अर्नेस्ट हैज सीज्ड टू बी ऑस्क्योर, और अर्नेस्ट जो था वो कह सकते थे कि उसने बंद कर दिया था अपने आप को ज्यादा वेल नोन बनाना। अनसॉर्ट फॉर अनडिजायर्ड, वो अनडिजायर्ड था उनके लिए, वो बहुत ही फेम उन्हें मिला सो मेनी सिक के कारण। कह सकते हैं कि बहुत अच्छे उन्होंने काम किए, अनडिजायर्ड उनको फेम मिला था। वो बहुत ही फेमस हो गए थे उनकी वैली के बाहर भी, वो जिस वैली में रहते थे उसके बाहर भी वो बहुत फेमस हो चुके थे। कॉलेज के प्रोफेसर्स जो थे और इवन एक्टिव मैन जो थे सिटीज के, वो दूर दूर से आते थे अर्नेस्ट को मिलने के लिए और अर्नेस्ट से बात करने के लिए। और उस वो उन्हें रिसीव करता था या उनसे मिलता था बहुत ही जेंटल सिंसियरिटी के साथ में, और उनसे बहुत ही फ्रीली बात किया करता था। कोई भी चीज के लिए, कोई अपरमोस्ट से आया हो या बहुत ही डीपेस्ट ऑफ द हार्ट से, वो उनसे बात करता था अपने ओन तरीके से। जब भी वो बात करते एक साथ तो अर्नेस्ट का जो चेहरा था वो हमेशा ब्राइटन होता, और वो अननोइंगली कह सकते हैं कि वो नहीं जानता था लेकिन वो बहुत ही खुश होकर बहुत ही ब्राइटन चेहरे से उनसे बात करता था। ऐसे कह सकते हैं कि शाइन जो थी उसके चेहरे पर झलकती थी, ऐसा लगता था माइल्ड इवनिंग में लाइट जल रही है इस तरह से दिखता था। वेल अर्नेस्ट हैज ग्रोइंग ओल्ड, जैसे अर्नेस्ट ओल्ड होने लगा गॉड ने एक न्यू पोएट को अर्थ पे भेज दिया था। वो कोई नया इंसान नहीं था, वो भी एक नेटिव ही था, मतलब वैली में रहने वाला आदमी ही था, लेकिन उसने अपने लाइफ का ग्रेटर पार्ट जो है वो एक डिस्टेंट सिटीज में ही बिताया था और अपने स्वीट म्यूजिक को हर जगह उसने फैला दिया था, या वो क्योंकि पोएट था तो अपनी म्यूजिक को उसने हर जगह फैला दिया था। Neither was the great stone face forgotten, और उसने उस great stone face को भी कभी नहीं भूला था। वो अपनी poems के अंदर उस great stone face को हमेशा जाहिर किया करता था। उसके songs जो थे, the songs of this poet found the way to Ernest, और Ernest को एक दिन वो जो songs थे, वो poet के जो लिखी हुई poems थी, वो Ernest को उसकी book एक दिन मिल गई। वो उसे पढ़ा करता था अपने customary 12 के बाद या usual work करने के बाद में। वो bench पर बैठ जाता था जो उसके cottage के door के बाहर बना हुआ था, और वो अपनी books को, मतलब वो book को हाथ में रख के अपनी जो आँखें हैं उसे mountain की तरफ रख के वो books को read किया करता था और कहता था, oh great stone face, he said, वो कहने लगता था, is Not this man worthy to be a likeness. यह आदमी वही तो नहीं है या उस लायक तो नहीं है कि जो आपकी लाइकनेस को बता रहा है। मतलब सोचो कि वो कितना अच्छा है आदमी जो आपकी लाइकनेस को बता रहा है इस पोयम में। द फेस सीम टू स्माइल, और ऐसा लगता था अर्नेस्ट को जैसे वो फेस जो है ग्रेट स्टोन फेस उसके तरफ इस बात को देख कर हंस रहा है, बट आंसर नहीं दे रहा। Now it happened that the poet thought he lived so far away. अब ऐसा होने लगा कि poet को ऐसा लग रहा था कि वो बहुत समय हो गया कि दूर रह चुका है। उसने अर्नेस्ट के बारे में सिर्फ सुना, ना कि सिर्फ सुना था बट उसने बहुत कुछ सोचा था या समझा था उसके कैरेक्टर के बारे में उसे लगता था, और उसका बहुत मन था उस poet का कि वो अर्नेस्ट से आके मिले। वो चाहता था कि वो उस विजडम, मतलब उस आदमी से मिले जिसका विजडम जो है नोबल सिंप्लिसिटी की तरफ जाता है लाइफ के। एक समर डे पे वो अराइव्ड होता है, या वो पोएट जो है अर्नेस्ट के दरवाजे पर आता है, जहाँ पर वो देखता है कि एक ओल्ड मैन जो है बुक हाथ में लिए हुए बैठे हुए हैं, जो रीड कर रहे हैं उस बुक को, और फिंगर्स जो है उस लीव्स के बीच में या पन्नों के बीच में रखे हुए हैं, और बहुत ही प्यार से वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देख रहे हैं। और वो कहने लगता है गुड इवनिंग, पोएट उससे कहता है अर्नेस्ट से, गुड इवनिंग, क्या तुम मेरे जैसे, मेरे मतलब मुझे एक नाइट के लिए, एक रात के लिए अपने घर का सहारा दे सकते हो, अपने घर में मुझे रख सकते हो।
तो अर्नेस्ट बहुत ही ग्लैडली कहता है, ग्लैडली क्या क्या आंसर देता है, और देन वो कहता है स्माइल करके कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी ग्रेट स्टोन फेस को देख सकता हूँ, या उसकी जेंटली और काइंडली जो बिहेवियर है वो मुझे नहीं लगता कि मतलब जो स्ट्रेंजर है उनकी तरफ वो देख रहा है, मतलब मैं आपको स्ट्रेंजर क्यों समझूँ जब ग्रेट स्टोन फेस के लिए आप स्ट्रेंजर नहीं हो। पोएट वहां पर बैठ जाता है, उन अर्नेस्ट के पास में बैठ जाता है, और वो और अर्नेस्ट बहुत देर तक बातें करते रहते हैं। और उसके पहले पोएट ने कभी भी बात नहीं की रहती अर्नेस्ट की तरह किसी इंसान से जो इतना वाइस, इतना जेंटल, इतना काइंड होता है। अर्नेस्ट को पोएट को लगता है कि अर्नेस्ट की जितना वाइस, जेंटल और काइंड इंसान से वो कभी नहीं मिला। और अर्नेस्ट को लगता है कि वो लिविंग इमेज जो है उसके सामने से पोएट के माइंड की वो फ्लंग होने लगती है, उड़ने लगती है। पोएट ने जो कुछ लिखा हुआ है उस पोएम के अंदर, या पोएट जो कह रहा है उसकी इमेजेस जो है अर्नेस्ट के आंखों के सामने घूमने लगती हैं। एज अर्नेस्ट लिसन टू द पोएट, जैसे ही अर्नेस्ट बातें करते था, सुनते रहता है पोएट को, वो इमेजिन करता है कि ग्रेट स्टोन फेस जो है वो भी बेंड कर रहा है उनकी तरफ उनकी बातें सुनने के लिए। ही गेज इन टू द पोएट्स आइज, और वो पोएट की आइज में देखने लगता है या घूरने लगता है। हु आर यू माई गिफ्टेड गेस्ट, और वो कहता है कि तुम हो कौन मेरे गेस्ट जो मुझे भगवान ने गिफ्ट दिया एक तरह से, ऐसे सोच के अर्नेस्ट पूछता है पोएट से तुम कौन हो। पोएट जो है अपने फिंगर को उस बुक के ऊपर रख के बोलता है अर्नेस्ट बिन रीडिंग, जिस बुक को अर्नेस्ट रीड कर रहा था। यू हैव रीड दिस पोएम्स, क्या तुमने ये पोएम्स को पढ़ी है, ऐसा पोएट अर्नेस्ट को कहता है। तुम जानते हो मुझे, मैंने ही ये पोएम्स को लिखा है। अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट एग्जामाइन द पोएट्स फीचर, बार 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 अर्नेस्ट जो है एग्जामाइन करने लगता है पोएट ने जो फीचर्स दिए थे, और ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखने लगता है बार बार उस पोएट की तरफ देखकर, और अपने हेड को शुक करता है, हिलाता है और नीचे मुंह कर लेता है सैडली। तो यहाँ पर पोएट फिर कहता है कि क्यों तुम इतना सैड दिख रहे हो। तो यहाँ पर अर्नेस्ट कहता है क्योंकि मैं पूरी लाइफ में मैंने वेट किया है इस प्रोफेसी के फुलफिलमेंट होने का, या वो जो लोगों की मान्यता है, भविष्यवाणी लोगों ने की है कि इस ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखने वाला आदमी एक दिन ज़रूर आएगा, उस आदमी का इंतज़ार मैंने अपनी पूरी लाइफ किया। जब मैंने पोएम्स पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये जो मेरी प्रोफेसी ओल्ड भविष्यवाणी जो लोगों ने की थी वो अब फुलफिल हो जाएगी। तो यहाँ पर पोएट कहता है तुम्हें होप है इस चीज़ का, फ्रेंडली स्माइलिंग, और एकदम हल्की सी स्माइल देता है, टू फाइंड इन मी द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, आई एम नॉट वर्दी टू बी लाइकनेस। और यहाँ पर वो कहने लगता है पोएट कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे ग्रेट स्टोन फेस की तरह मान रहे हो, मतलब मैं उस तरह दिखूंगा ग्रेट स्टोन फेस की तरह, जो ओल्ड प्रोफेंसी थी तुम मुझसे कंप्लीट करना चाहते थे, पर मैं उस लायक नहीं हूँ, मतलब ग्रेट स्टोन फेस की जो लाइकनेस है मैं उसके काबिल नहीं हूँ, ऐसा वो कहने लगता है। तो यहाँ पर अर्नेस्ट कहता है कि क्यों नहीं, ही पॉइंटेड टू द बुक, वो बुक की तरफ देखता है और कहता है तुमने इसमें जो थॉट्स लिखे हैं क्या उस लायक नहीं है, जो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस की तरह है वैसे थॉट्स नहीं लिखे तुमने। यू कैन हियर इन देम द डिस्टेंस वॉइस ऑफ हेवनली सॉन्ग, तुमने इसमें देखा है कि हेवनली सॉन्ग की दूर दूर तक की जो आवाज़ है वो मुझे इसमें दिखने लगी है। बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट, पर वो कहने लगता है कि मेरी लाइफ जो है अर्नेस्ट वो करस्पॉन्ड नहीं करती मेरे थॉट्स को, मतलब मेरी लाइफ अलग ही है, मेरे थॉट्स के हिसाब से मेरी लाइफ नहीं है। मेरे जो ड्रीम्स हैं वो बहुत ही बड़े थे बट वो सिर्फ ड्रीम्स ही रह गए। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लैकिंग है मेरे ही फेथ में, मतलब मेरे अपने विचारों में ही कुछ कमी है। वाई देन प्योर सीकर ऑफ अ गुड एंड ट्रू शुड बी होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ माउंटेन, और इसीलिए प्योर सीकर जो है कह सकते हैं कि जो अच्छे दिल वाला है, जो अच्छा है, सच्चा है, वो क्यों होप करता है कि मेरे जैसे फेस में वो उस ग्रेट स्टोन फेस का लाइकनेस देखेगा। पोएट स्पोक सैडली एंड हिज आईज वेर वेट विथ टीयर्स, पोएट जो है वो बहुत ही नाराज होके, नाराज नहीं मतलब बहुत ही सैड होके कहने लगता है, और उसकी आइज जो है वो आंसुओं से भर जाती है, और उसे देखकर अर्नेस्ट की आंखें भी भर जाती हैं आंसुओं से। सनसेट का टाइम हो चुका होता है, शाम हो चुकी होती है, और ये जो कस्टम है कि अर्नेस्ट जो है उस समय में, शाम के समय में, ग्रुप ऑफ नेबर्स मतलब आसपास के पड़ोसियों के साथ में ओपन एयर में जाकर बातें करते हैं, वहाँ पर उनकी मीटिंग्स होती हैं रोज, तो वो पोएट को लेकर वहाँ जाता है मीटिंग की प्लेस पर। पोएट के हाथ में हाथ डालकर वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ से वो देखते हैं ग्रेट स्टोन फेस को। अर्नेस्ट थ्रू अ लुक ऑफ फैमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस, अर्नेस्ट जो है एकदम फैमिलियर काइंडनेस के साथ में अपने ऑडियंस को या उन सारे फ्रेंड्स को देखने लगता है, और वो कहने लगता है पीपल्स को कि उसके दिल में और उसके दिमाग में क्या है।
उसके वर्ड्स के अंदर पावर होती है, क्योंकि लोग जो है उसके थॉट्स को एग्री करते हैं, उसकी बातों को हमेशा मानते हैं, क्योंकि इसके थॉट्स जो है उसमें रियलिटी होती है और डेप्थ होती है, ऐसा लोगों को लगता था, बिकॉज दे हार्मोनाइज विद, और वो इसी चीज़ के लिए एग्री करते थे उसकी लाइफ से जो ऑलरेडी वो जी रहा था. इट वॉज नॉट मे ब्रीथ दैट अ प्रीचर अटर्ड, मतलब ये सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ प्रीचर या जो बोलने वाला इंसान है वो सिर्फ बोल दे, उसके वर्ड्स क्या हैं या वर्ड्स जो हैं वो लाइफ को छू लेने चाहिए, दिल को छू लेने चाहिए, ऐसे होने ज़रूरी हैं. लाइफ ऑफ गुड डीड्स एंड सेल्फीज लव विद मेल्टेड इन देम, और उसकी जो बातें थी उसमें गुड डीड्स की, अच्छाइयों की और सेल्फलेस लव की बातें लोगों के दिल को पिघला देती थी. पोएट एज ही लिसन फेल्ट दैट, और जैसे ही पोएट ने ये सब चीज़ें सुनी उसको ऐसा लगा कि लाइफ और कैरेक्टर जो है अर्नेस्ट का वो एक नोबलर स्ट्रेन की तरह है पोएट्री के, देन ही हैड एवर रिटन, उसने जो आज तक नहीं लिखा. हिज आइज, उसने जो आज तक अपनी पोएट्री में लिखा है उसी तरह का पर्सन है अर्नेस्ट, ऐसा पोएट सोचने लगा. हिज आइज फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें फिर वापस आंसुओं से भर गई, और उसने अपने आप से कहा कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मतलब दैट नेवर वॉज देयर सो वर्दी, मतलब आज तक कोई इतना वर्दी या लायक नहीं होगा इस वाइस मैन की तरह, जो इतना माइल्ड और स्वीट और थॉटफुल फेस है जिसका, जिसके ऊपर ग्लोरी है वाइट हेयर की जो डिफ्यूज कर रही है अबाउट इट, मतलब जो हर जगह फैला हुआ उसके जो सफ़ेद बाल हैं और उसका माइल्ड और स्वीट थॉटफुल फेस जो है, वैसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, या कोई इसके इनके अलावा ऐसा कोई इंसान इस लायक नहीं है. एट द डिस्टेंस बट ही क्लियरली टू बी सीन, दूर तो था बट क्लियरली देख रहा था, हाई अपॉन इन द गोल्डन लाइट, गोल्डन लाइट के अंदर सिटिंग सन के, मतलब जो सन है वो डूब रहा था, तो उसकी डूबती हुई जो सांझ है, सांझ में गोल्डन लाइट के अंदर वो देख रहा था हाईली उस माउंटेन की तरफ, जो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देख रहा था, जिसमें वाइट मिस्ट थी आसपास, मतलब कोहरा सा था उस माउंटेन के आसपास में, लाइक द वाइट हेयर अराउंड द ब्रोज ऑफ अर्नेस्ट, और बिल्कुल वो ऐसा लग रहा था जैसे अर्नेस्ट के चेहरे के आसपास में जो वाइटनेस है या ब्रोज के आसपास में जो वाइट हेयर्स है वो बिल्कुल उस मिस्ट की तरह दिख रहे थे जो ग्रेट स्टोन फेस के आसपास थे. उस मोमेंट में अर्नेस्ट का फेस जो है टुक एन एक्सप्रेशन सो ग्रैंड दैट पोएट वॉज मूव टू थ्रो हिज आर्म अप एंड शाउट, और उतने ही देर में अर्नेस्ट जो है अर्नेस्ट की तरफ वो देखता है, उसके एक्सप्रेशंस की तरफ पोएट देखता है, एंड देन पोएट मूव करता है अपने आर्म्स को ऊपर उठाकर, जोर से चिल्ला कर कहता है बिहोल्ड बिहोल्ड, मतलब सुनो सुनो, अर्नेस्ट जो है वो खुद ही ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखने वाला आदमी है, या वही अर्नेस्ट के अंदर वो सारी लाइकनेस है जो ग्रेट स्टोन फेस के अंदर है. सारे के सारे पीपल्स जो हैं देखने लगते हैं और देखते हैं कि पोएट क्या कह रहा है, क्या वो सच है, प्रोफेंसी जो है वो फुलफिल हो जाती है, मतलब लोगों ने जो सोचा था, भविष्यवाणी की थी, वो अब सच हो गई थी. बट अर्नेस्ट जो है उसने फिनिश किया जो भी उसे कहना था, और उस पोएट का हाथ पकड़ के वापस स्लोली अपने घर की तरफ मूव करने लगा, और वो स्टिल होप कर रहा था कि मुझसे ज़्यादा वाइसर या कोई बेटर मैन यहाँ पर आए, हिमसेल्फ वुड बी बाय विड बाय एंड बाय अपीयर, और उसे ऐसा लग रहा था कि मेरे बाद भी, मुझे लगता है कि शायद मैं नहीं हूँ, मुझसे भी ज़्यादा वाइसर और बेटर मैन यहाँ पर ज़रूर आएगा जो बिल्कुल रिसेंबल करेगा या बिल्कुल दिखेगा ग्रेट स्टोन फेस की तरह, वो ये बियर कर रहा था. तो इस तरह से ये बियर करते करते या सोचते सोचते वो अपने घर तक पहुँच जाता है. नैथनियल हैवथ्रॉन ने एवरेज बहुत ही अच्छी स्टोरी जो है यहाँ पर लिखी हुई है, और फाइनली ये स्टोरी जो है फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्लीट होती है. थैंक यू सो मच, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें. थैंक यू.